आज मैं अपने पोर्चुला का गार्डन का पूरा सैर आपको कराऊंगी, जो कि मैंने इसको जगह जगह पे लगाया है और बहुत अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। ये छोटी सी कटिंग से आसानी से फैलने वाला पौधा है। आप इसको हैंगिंग बास्केट प्लांट के रूप में भी रख सकते हैं और नीचे पॉट में भी, बड़े से पॉट में भी रख सकते हैं, तो आसानी से इसकी ग्रोथ होती है। आप अगर नर्सरी में जाते हैं तो 20 रुपए में ये आसानी से मिल जाता है और उसी से ही आप जगह जगह पे लगा करके कटिंग तैयार कर सकते हैं। ठंडियों के 2 महीने इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको जगह जगह पे शिफ्ट करते रहें ताकि ये फरवरी से आपको फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। फरवरी से लेकर ये नवंबर तक आसानी से इसके फ्लावर्स होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितने सारे मैंने जगह जगह पे इनको हैंगिंग पॉट में कुछ ऊपर रखे हैं, कुछ ऐसे हैंग कर रखे हैं, कुछ ज़मीन पे भी रखे हैं। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे टेरेस गार्डन में कई जगह पे इसे लगाया है, क्योंकि ये काफ़ी इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इसे ठंडियों में जगह जगह शिफ्ट कर दिया था। और ठंडियों का फ्लावर तो हमारा क्रिश्चियन थीमम है, जो कि गुलदाउदी फ्लावर को मैं बार बार आपको दिखाती थी, तो उसे भी बारिश के बाद से जगह जगह पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि उसकी फ्लावरिंग भी ठंडियों में बहुत ज़्यादा होती है। तो समर वाला प्लांट ठंडियों के टाइम पे और विंटर वाला प्लांट गर्मियों के टाइम पे शिफ्ट करते रहें ताकि उसकी भरपूर आपको फ्लावरिंग का मज़ा मिल सके। तो इस तरह से मैंने अपने टेरेस गार्डन में जगह जगह पे हर तरह से फूलों के पौधों का लगा करके एंजॉय किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं ये फ्लावर और आपके गार्डन की शोभा भी बढ़ाते हैं। तो देख रहे होंगे आप कितने खूबसूरत से फ्लावर प्लांट है। इसके कई सारे कलर आते हैं, तो मेरे पास एक ही कलर का फ्लावर था तो मैंने उसे ही जगह जगह पे लगा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करें तभी आपके गार्डन की शोभा बढ़े। तो आपके पास जो भी है उसी से ही आप अपने गार्डन में जगह जगह पे ऐड करें, शिफ्ट करें, और इसी से आपको विंटर वाला विंटर पे और समर वाला समर पे फ्लावरिंग देगा और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएगा। बहुत ही इजी ग्रो होने वाला ये पौधा है। बरसात के समय में इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो ये आज मई का फर्स्ट डेट है, तो इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। इसमें एक छोटी सी कटिंग से बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जड़ ही लगाएंगे तभी होगा, तो ये आसानी से फैलने वाला प्लांट है। इस तरह से आप अपने गार्डन में इसे ऐड करें और बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, और काफ़ी खूबसूरत सा ये फ्लावर प्लांट है। आप इसे गिफ्ट में भी किसी को दें तो भरा हुआ पॉट बहुत ही खूबसूरत सा ये दिखता है। और इस तरह से आप इसमें अगर सिर्फ पानी भर डालते हैं तो भी ये आसानी से बढ़ने वाला प्लांट है। इसमें मैंने लगाया है बड़ा सा, मैंने पॉट इसे तैयार किया था सीमेंट गिट्टी और बालू मिला करके, तो इसमें लगाया है। काफ़ी अच्छा फैला हुआ है, इसी से मैं निकाल निकाल करके और जगह भी अब शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से खूबसूरत सा पोर्चुला का फ्लावर प्लांट है, काफ़ी अच्छा है ये।